आगे तो नहीं जा पाएंगे, या इसको कह दीजिए कि आप इतने तक का कर लीजिए, ट्रस्ट पहले कर दी जा रही थी और फिर उसे करवा दिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नाम सुना है आपने? जी। क्या है सर? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की परिषद है। और सर फैक्ट तो कुछ याद नहीं है। कंपनी का सर नहीं, सर फैक्ट याद नहीं है। भारत में डिफेंस सेक्टर में जी अभी हाल ही में DRDO ने गूगल के साथ कुछ टाइप किया, ऐसा कुछ पढ़ा जिसमें ये बात हुई कि डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया। हाल ही से चर्चित रहा है, एक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं तो अलग, इसमें जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग डिफेंस में किया है। जैसे डिफेंस में हमारी सेना है, फिर एयरफोर्स है, नेवी है, उसके जगह पर सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सेवा में हूँ और इंटरव्यू की डेट मेरी अभी थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो समय से नहीं मिल रहा। आज मैं सीधे इवन संडे भी कैंसिल है हम लोगों का, तो आज मैं फील्ड से ही वापस आ रहा हूँ, अभी आधे घंटे पहले ही मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो थोड़ा सा अभी करंट इशूज पर मैं काम नहीं कर पाया। अच्छा, करंट पर नहीं? जी जी। सामान्य अध्ययन में किस विषय में आपका इंटरेस्ट है? सामान्य अध्ययन में सर भूगोल में मेरा रुचि रही है, और चूँकि स्थानीय बैकग्राउंड होने के नाते सर पढ़ना मुझे सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, इतिहास और भूगोल दो चीज़ें मैंने पढ़ा है। विज्ञान का बैकग्राउंड था तो थोड़ा सा विज्ञान में रुचि पहले से ही रही है। विज्ञान में आप एक है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जी, पहला नहीं है क्या? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ये अंतरिक्ष विज्ञान की टेक्नोलॉजी है, जिसमें निम्न ताप पर हम स्पेस में जो लॉन्च करते हैं सैटेलाइट वगैरह, उसमें जो ईंधन का प्रयोग करते हैं वो बहुत निम्न ताप पर प्रयोग करते हैं। कौन से ईंधन होते हैं सर? वो लिक्विफाइड होते हैं, नाइट्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का ही मिश्रण होता है। लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग होता है जी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर तो मेडिकल में भी कहीं यूज होता है या और कहीं यूज होता है आपको लगता है? सर यूज निश्चित रूप से होता होगा, लेकिन कुछ आइडिया काम होता है अकादमिक की जो टेक्नोलॉजी है वो किस रॉकेट में और कहाँ करते हैं, किस स्टेज पर करते हैं? जैसे रॉकेट आप पढ़ते हैं ये फला फला रॉकेट, GSLV दो सारे GSLV में सर यूज करते हैं। GSLV में किस स्टेज पर करते हैं? सर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सर इसको प्लेस करते हैं। टेक्नोलॉजी जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस और टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी? सर टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी सिंपली मेथड होता है जिसमें स्किल का यूज करके हम अपनी चीज़ों को आसान कर लेते हैं, वो टेक्निक्स होती है। और बड़ी घटना और टेक्नोलॉजी सर विज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग ही तकनीकी है। अनुप्रयोग और प्रयोग में क्या अंतर है? अपने अनुप्रयोग का प्रयोग क्यों नहीं कहा? दैनिक जीवन में जो चीज़, दैनिक जीवन की बात नहीं, मैं कुछ शब्द की बात कर रहा हूँ, अनुप्रयोग और प्रयोग में क्या अंतर है? सर मुझे लगता है सर प्रयोग वो लैब या किसी विशेष जगह किए जाते हैं, अनुप्रयोग दैनिक जीवन में भी होते रहते हैं। अब जैसे ये
पानी है इसमें जी, ठीक है जी। तो आप लिखा रहता है कि यार पानी का थोड़ा प्रयोग कम करो, तो लेबोरेटरी में कहाँ करो, तो कपड़ा साफ करने में भी कर जी। अरे पानी का, पानी का मतलब क्या है सर? अणु का जो शाब्दिक अर्थ होता है हाँ। वो पीछे पीछे वही वही मतलब है कि जो रिसर्च हुई है उसके पीछे उसको लागू कर रहे हैं, फील्ड पे ला रहे हैं जी, वही मतलब है जी। अग्रज और अनुज जी, अग्रज सर बड़े के संदर्भ में प्रयोग होता है, अनुज छोटे के, पीछे जो आता है जी, तो वो साइंस में जो आपने सिद्धांत निकाला उसके पीछे उसको लागू करो जी जी। और बात कर ली होगी आप करने कर लीजिए। अभी किस जॉब में हैं आप? सर इस समय मैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर के। अच्छा मार्केटिंग में हैं जी, क्या काम होता है मार्केटिंग में? सर मार्केटिंग में इस समय मुख्यतः दो काम है, एक पीडीएस का होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और दूसरा होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद, जो रबी और खरीफ की खरीद होती है। अभी किन फसलों की खरीदारी चल रही है? सर इस समय धान खरीद चल रही है। क्या समर्थन मूल्य है उसका सरकार द्वारा? इस समय 1770 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, जिसमें 20 रुपया प्रति क्विंटल उतराई और छनाई सम्मिलित है। ये खाद्य रसद में क्या अंतर होता है? सर खाद्य में मुख्यतः जो मार्केटिंग, सर खाद्य और रसद विभाग में दो शाखाएं होती हैं, एक होती है विपणन शाखा, एक होती है आपूर्ति शाखा। तो खाद्य में विपणन शाखा आती है जो हम लोगों की शाखा है, और जो हम लोग परचेज करते हैं सर स्टेट पूल से वो सेंट्रल पूल में जाता है, और वो आपूर्ति शाखा के माध्यम से वो सर अंतिम व्यक्ति को पहुंचाया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। खाद्य और रसद को अगर अलग अलग डिफाइन करना चाहे, खाद्य क्या है और रसद क्या है, तो उसको कैसे बोलेंगे? सर खाद्य वो जो परचेज करते हैं हम लोग, या जो जमा होता है डिपॉजिट होता है, इसमें क्या कहेंगे खाद्य? फूड और फूड एंड सप्लाई। तो फूड को डिफाइन करो, सप्लाई को डिफाइन करो, जो भी खाने वाली चीजें होती हैं वो खाद्य के अंतर्गत आती हैं, और उसका वितरण आपूर्ति के अंतर्गत आता है। सब्जी खाते हैं कि नहीं? ये सब्जी खाते हैं। अच्छा, ये मार्केटिंग क्या है आप? मार्केटिंग मार्केटिंग और एक सेल्स, दो चीजें होती हैं, दोनों में क्या दोनों में क्या अंतर होता है? सर हम लोग सरकारी योजनाओं के अंतर्गत खरीद का कार्य करते हैं, और सेल किसी भी क्षेत्र में खरीदारी या कहीं किसी भी निश्चित प्लेस पे खरीदारी जो की जाती है सेल कहते हैं, क्रय विक्रय जो किया जाता है। हम लोग एक निश्चित केंद्र बनाए जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती हैं उसी के अंतर्गत सर खरीदारी करनी होती है। ये भारत और नेपाल के बीच जो है बाउंड्री है, कैसी बाउंड्री है वो? सर भारत नेपाल के बीच मेरे अनुमान से सर 7 जिले जो लगते हैं ये इसमें नेपाल जाने के लिए आपको वीजा चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं वीजा नहीं चाहिए सर। चाहिए ओपन बाउंड्री? जी ओपन बाउंड्री है। ठीक, किन किन राज्यों से लगती है वो ओपन बाउंड्री? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार से नहीं लगती क्या? और बिहार से सोचा जी बिहार। तो ये जो उसके लिए वहाँ से हमें सुरक्षा की क्या चुनौती है? सर नेपाल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन के बीच में यह एक बफर स्टेट का कार्य करता है जो हमारे हितों को बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। हमारी कैसी सुरक्षा चुनौतियाँ हैं वहाँ की, मैं जानना चाहता हूँ ओपन बॉर्डर में? ओपन बॉर्डर में सर चीन से जो भी हमारे बॉर्डर होते हुए जो भी अनधिकृत तरीके से सामान या जो भी सप्लाई होता है उस पर हमें टैक्स नहीं मिलेगा अगर हम नियंत्रण नहीं स्थापित करेंगे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सर अगर नेपाल चीन के पक्ष में हो गया और उसने अपने कुछ हिस्सों को चीन के लिए या चीन ने मनमाने तरीके से यूज करेगा तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी समस्या। आप चीन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ओपन बॉर्डर से फिर क्या फर्क पड़ता है? ओपन बॉर्डर हो चाइना और चीन और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान साथ हो गए तो दिक्कत है, तो ओपन बॉर्डर से क्या प्रॉब्लम है? मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ी समस्या सर जैसे ये शरणार्थियों को लेकर के होती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है,
और यहाँ पर रहने के लिए उनको जैसे व्यवसाय करने के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, तो यहाँ कैसे संघर्ष हो सकता है? वहाँ की ये भी चुनौती नहीं है कि वहाँ की जो किस पार्टी की सरकार है वहाँ कैसे? वहाँ से तस्करी हो सकती है हथियारों की, हो सकती है। एक वहाँ पकड़ा गया था आतंकवादी, पाकिस्तान पहले भेजता है, तो ये आपने अध्ययन नहीं किया सुरक्षा के दृष्टिकोण से? रेड कॉरिडोर की शुरुआत ही नेपाल से यहाँ तक है जी। जो माओवादियों का है जी। ठीक है नहीं जी। तो ये जो इस तरह की चुनौतियाँ हैं जी, तो आप मुझे दो उपाय बताइए कि भारत की जो सुरक्षा की चुनौतियाँ हैं उसमें हम किन चीज़ों पर ध्यान रखें तो अच्छी सुरक्षा हमें मिल सकती है। एक तो सर नेपाल में जो सामाजिक आर्थिक विकास है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और हमें ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है अपित चाइना के, जिससे हम हमारे तरफ नेपाल का विकास ज़्यादा हो। अच्छा जी, ऐसा क्या करें हम? सर जैसा कि अभी जो भूकंप आया था उसमें हम लोगों ने खाद्यान्न की आपूर्ति, तो उसके बावजूद भी हमारे विरोध में चले गए तो नहीं चलेगा सर? ये हमारी कूटनीतिक विफलता है। अच्छा, कि हम उन्हें अपने पक्ष में नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, कूट मैं कह रहा हूँ आप ही चलो विदेश मंत्री हो और विदेश सचिव हो, आप मुझे बताओ आप कूटनीति को ऐसे सफल करोगे? जो भी करते हैं वो कहते हैं कि भारत दादागिरी कर रहा है जी। कुछ और सोचो भाई, आप ही मैं चलो आप क्या करोगे भाई? पैसे दे सकते हैं उनको, उनको सम्मान दे सकते हो, क्या हम दे सकते हैं? आपका डिफेंस का था इसलिए मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भारत की विदेश नीति है जी, उसमें एक शब्द आता है पूरब की ओर देखो जी। सर लुकिस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हम दक्षिण एशिया, पूर्वी दक्षिण एशिया के देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करते हैं, उसमें व्यापार और सुरक्षा के दृष्टि। अब इस नीति को क्या कहते हैं? एक्ट ईस्ट। कब नाम दिया गया ये? सर ये अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 2 वर्ष या 3 वर्ष पहले ही इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम में परिवर्तित किया। क्यों, इससे क्या अंतर पड़ गया, नाम ही बदल गया? जो सिद्धांत हमने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत बनाए थे व्यवहारिक स्तर पे उसका हम अनुपयोग नहीं कर पा रहे थे, जिसको एक्ट के रूप में यानी उसको कार्यान्वित करने के लिए इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में नामित किया गया। ठीक, देखिए आपको इशूज की जानकारी तो है, एक तो आप बैठने का और स्ट्रेट कब बैठ सकते हैं पीछे थोड़ा जाके, आप जॉब में हैं तो ये मार्केटिंग वाला तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर होना चाहिए पूरी सारी चीज़ें जी जी। तो कहाँ रहते हैं आप? सर इस समय मुख्यालय छोड़ने की भी अनुमति नहीं है, कल आई साहब का लेटर आया तो। मुख्यालय कहाँ मतलब? सर जिला मुख्यालय फतेहपुर पड़ता है मेरा, मंडल मुख्यालय इलाहाबाद है। डिवीजन सर इलाहाबाद ही है, पोस्टिंग आपकी फतेहपुर है? इलाहाबाद पोस्टिंग होती है सर, हम लोग 4 जिलों हैं, 4 जिलों में कहीं भी सर पोस्टिंग की। किस बैच के हैं? 13 बैच के। 13 बैच जी। तो ये पीसीएस एलाइड में आता है जी? लोअर पीसीएस तो जाती है। लोअर पीसीएस जी। तो इलाहाबाद में से कम हो रहा है यहाँ की प्रॉब्लम है जी। और आपका काम जो भी प्राइस वगैरह की बात कर रहे हैं आपका खाद्यान्नों की, तो खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है जी, 2013 से। और डिफेंस को आप लाइटली, डिफेंस बहुत व्यापक सब्जेक्ट है जी जी, सारी चीजें आ जाती है जी। उसमें जो मैं नेपाल की बात कर रहा था, वहाँ आतंकवादी पकड़े गए, टुंडा का नाम सुना हो? अब्दुल करीम टुंडा। सर मुझे नाम नहीं याद आता, मैं बता, वही पकड़ा गया था जी जी, यहाँ गोरखपुर के माध्यम से वो नेपाल चला गया। ये जो है, मैं गया भी हूँ सर एक बार नेपाल में, गया भी हूँ पिछले साल। तो सर असल में इस समय हम लोग ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं, हमारी खरीद में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। आयुक्त साहब भी आए थे अभी, कल निदेशक मंडी आए थे, बिल्कुल सर प्रैक्टिकल नहीं है, हम लोग सेंटर नहीं छोड़ सकते, मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। चलो कुछ भी है, आज सुबह आए सर भाग करके, थोड़ा सा अभी समय है सर, 4 जनवरी को है मेरा। हाँ, तो इन चीजों को देखो, कमीशन से कोई मतलब नहीं। जी 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 जी, हाँ ठीक है, आपने आप इसको ज्यादा कह भी नहीं सकते, यहाँ कह रहे हैं वहाँ ज्यादा, वहाँ तो नहीं कह सकते सर, बोल नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ कैसे रहे हैं इंटरव्यू देने? अभी सर जैसे मेरे पास टाइम भी नहीं होता, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों का है तो ये करना चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, वो तो जैसे तो आपको सीखने को मिलेगा। जी जी, आप मुझे बताएंगे उस पर मैं सर काम करूंगा। हाँ, तो सब्जेक्ट में भी मुझे काम करना है सर, करंट इशू पे काम। हाँ, करंट इशू और डिफेंस जी। सोशल वर्क भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने सोशल वर्क मेरा पसंदीदा विषय रहा है, मैंने MSW भी किया। MSW किया, एक आपने बीएड किया। जी बीएड, टीचर भी सर मैं रहा हूं। हां, तो एजुकेशन की क्या चुनौतियां हैं? अच्छा टीचर जी, पिछला इंटरव्यू मेरा इसी पे एजुकेशन। हां, तो होगा ये, क्योंकि भाई जो आप बताएंगे उनसे पूछें जी जी। क्लासरूम, जैसे मान लो कि आप बीएड किए हैं तो
आप टीचर हैं तो कैसे क्लासरूम में इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या क्या सुझाव देंगे? जी जी ठीक है, बार हुआ था, फरमाना हाँ, के बोर्ड में तो ये चीजें आप जो है इसको करके रखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पर्याप्त है जी, आप अच्छा बोलते हैं जी, लेकिन जब जानकारी नहीं होगी तो थोड़ा सा सर नर्वस फील कर रहे थे क्योंकि अभी अभी हम आए और सीढ़ी चढ़ के आना होगा तो थोड़ा सा वी आर योर फ्रेंड्स जी जी जी, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि उनके आधार पे हम निष्कर्ष निकालें कि आप में क्या कमी है जी, हमारा पर्पज ये है कि हम आपको दो चार बातें बता सके जी जी जी, कि इन इन एरिया में जैसे बीएड का ये जो पूछा है आपने एमएसडब्ल्यू किया जबलपुर से जी, जी, तो सोशल वर्क का डिफेंस का ये मैंने कुछ करंट इश्यूज होते ही हैं जी जी जी, आपके जॉब से रिलेटेड हो वैसे तो वो कर लीजिए उस पर सर मैं काम कर रहा हूँ जी, थैंक यू।